नमस्कार, सीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वरोजगार मेला होने से पहले कार्यक्रम का हुआ बहिष्कार। जनपद अध्यक्ष शारदा धनगर का नाम आमंत्रण कार्ड से गायब। जनपद सदस्यों ने जताया विरोध, जमकर चल रही गुटबाजी। कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी मामले में 1600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल। प्रकाश गोलू मोटवानी को बताया अहम साथी, भगोड़ा बताकर गिरफ्तार करने की कवायद शुरू। ग्वालटोली में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने लगाई सूने मकान में फांसी। कैंट पुलिस ने बनाया पंचनामा, पत्नी बेटी से अलग होकर रहता था बुजुर्ग। जिला पंचायत स्थायी समिति का गठन हुआ निरस्त। भाजपा सदस्यों में जमकर चली तूतू में हंगामा होने पर अगली बैठक हुई थे। नीमच नगरपालिका में उपाध्यक्ष को नहीं मिला केबिन। भाजपा नेता चोपड़ा के दबाव में हुआ पक्षपात। उपाध्यक्ष के बाद पार्षदों में सुगबुगाहट। राजस्थान में छात्र चुनाव में गर्मजोशी। विधानसभा की तर्ज पर हुए चुनाव। राजस्थान निम्बाड़ा में एनएसयूआई का दबदबा, वोटिंग में दिखा उत्साह। गरीबों के लिए एम्बुलेंस चालक के दिल में आया दर्द। 30 किलोमीटर के एरिए में फ्री देंगे सेवाएं, निशुल्क पहुंचाएंगे घर। हेडलाइन के प्रायोजक है ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-2023।